महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत हुए तुकाराम। तुकाराम को लोग पालखी पे लेके घूमते थे, गांव-गांव उनका स्वागत होता था। पर उनके मन की स्थिति एक ही थी, उनके ऊपर कोई असर नहीं था। बाहर जो लोग उनको स्वागत कर रहे थे, बैंड बाजा लेकर के उनको हर गांव में इनवाइट कर रहे थे, उसी प्रकार जब उन्होंने एक महिला की जान बचाई, उसके गर्भ को अपना नाम दिया तुकाराम। वैसे था नहीं इनका, पर वो महिला आत्महत्या कर रही थी, वो बचाना चाहते थे, तो उस वक्त लोगों ने उनको मारा पीटा, मुंडन किया, गधे पे घुमाया। पर उनकी मानसिक स्थिति जैसी पहले थी जब उनको लोग पालकी पे घुमाते थे, वैसी ही स्थिति गधे पे जब घुमाया तब भी थी। तो कहने का तात्पर्य है, ये संसार जब तुम चलती कला में होगे, तुम जब सफलता के उच्चतम आयाम पे होगे, तो ये संसार तुम्हारे सामने झुक जाएगा, तुमको उठा उठा के घूमेगा, परंतु तुम इससे विचलित न होना। और जब तुम कभी अगर जीवन में निष्फल हो या आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं हो, तो यही संसार तुम्हें झाकारा देगा, यही संसार तुम्हें इतना महत्व नहीं देगा जितना पहले देता था। पर अगर तुम्हें जीवन मुक्ति की ओर जाना है, तो दोनों ही परिस्थितियों में अपने मन की स्थिति एक रखना, क्योंकि जो हर परिस्थिति में अपने मन की स्थिति एक रख ले और माया के आवरण में होने वाले इस खेल में जो अपने मन के ऊपर कोई असर न ले, वही जीवन मुक्त होने के काबिल होता है।